दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस गर्मी में अपना ध्यान रखना। और ट्रिप पूरा हो गया है और जिस वीडियो का मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिस रिजल्ट का, वो रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट ये है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसमें टोटल एवरेज भी है, पहाड़ की एवरेज भी है और हाईवे की एवरेज भी है। ये पन्ने पर मैंने सारा लिखा हुआ है और ये मैं आपको वीडियो में लगा दूँगा। इसका जो तरीका रहा है, वो तरीका इसमें टंकी फुल करने का रहा है। जैसे यहाँ से टंकी फुल करवा के चले, उसके बाद कहाँ टंकी फुल हुई, उसके बाद कहाँ टंकी फुल हुई, और पहाड़ में जो एवरेज नापी गई है वो भी पहाड़ चढ़ने से पहले टंकी फुल करवाई गई और फिर पहाड़ उतरने के बाद टंकी फुल करवाई गई, तो उससे हमने एवरेज निकाली है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तेल डलवाया था, पिछले वीडियो में आपको पता है 17,572 पे डलवाया है। फिर उसके बाद ट्रिप शुरू हुई है 1750 पे, यानी कि 81 किलोमीटर यहाँ प्लेन में चल चुकी थी। फिर ट्रिप ख़त्म हुई है 18,853,000 किलोमीटर पे। तो इस हिसाब से टोटल किलोमीटर बनते हैं 1281। और टोटल जो तेल लगा है इस ट्रिप में ओवरऑल, यहाँ से टंकी फुल करवाने के बाद, वो लगा है तकरीबन 21.25 लीटर, यानी कि 20.77 लीटर। और उस हिसाब से एवरेज बनती है इसकी 61.67 लीटर, यानी कि 61 किलोमीटर प्रति लीटर। अब आते हैं पहाड़ की एवरेज पर। इसकी पहाड़ की एवरेज चली है पहाड़ में टोटल ये 580 किलोमीटर, और तेल लगा है 9.89, यानी कि 9.8 लीटर। तो उस हिसाब से इसकी पहाड़ की एवरेज बनी है 58.64 किलोमीटर प्रति लीटर, 58 किलोमीटर पर लीटर। और हाईवे की एवरेज इसकी बनी है 67.84। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज रही 61, पहाड़ की एवरेज रही 58 और हाईवे की एवरेज रही 67। आपको ध्यान होगा, जब मैंने पहली बार वीडियो डाला था इसको बरेली से लेके आने का, उस समय इसकी एवरेज 70 आई थी, और अभी हाईवे की एवरेज जो है 67 आ रही है। तो इसकी एवरेज का मतलब डाउन हुई है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा मैं, कि इसकी परफॉर्मेंस पहाड़ में कैसी रही है। तब तक आपसे गुजारिश है कि वीडियो को, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। साथ में वीडियो तेल डलवाने के और लगा रहा हूँ प्रूफ के साथ। हैव ए गुड डे। तो दोस्तों, ये है वो पेज जहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। Thank you.